अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग वन क्लिक में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, अलीबाबा, ईबे, अली एक्सप्रेस और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट से जस्ट वन क्लिक के अंदर। होता क्या है, नॉर्मली बहुत सारे लोग वर्डप्रेस पे ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे होते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो मैनुअल आप जैसे अलीबाबा से इंपोर्ट कर रहे हैं, या अलीबाबा से प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो फर्स्ट जो अप्रोच है वो ये है कि आप मैनुअली कर लें, वहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करें, टाइटल कॉपी करें, प्राइसिंग कॉपी करें, इमेजेस डाउनलोड करें, वीडियो डाउनलोड करें, और उसके बाद क्या करें, अपनी वेबसाइट के अंदर आके मैनुअली एक एक प्रोडक्ट ऐड करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस हो जाता है और बहुत सारी क्रूशल चीज़ें यहाँ पे आ जाते हैं, जिस तरह से आपको वेरिएंट्स ऐड करने हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दूसरी अप्रोच यह है कि आप कोई ऐसा टूल यूज़ करें जो कि वन क्लिक के जरिए किसी भी वेबसाइट से पूरे के पूरा प्रोडक्ट की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, प्राइसिंग, सारी चीज़ें आपके वर्डप्रेस के वेबसाइट के अंदर वन क्लिक के अंदर इंपोर्ट कर दें, राइट। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं यही अप्रोच आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरह से ये सारे काम आप करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ओके जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ लिस्ट है जो सपोर्टेड वेबसाइट है जहाँ से आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के अंदर। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा जो फेमस वेबसाइट हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे जो अमेजोन है, अगर आपको अमेजोन से प्रोडक्ट इम्पोर्ट करने हैं तो आपको इनका प्रीमियम या गोल्ड प्लान लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइजिंग की। तो यहाँ पे देखें इनकी प्राइजिंग कुछ इस तरह से है, $14 ये बेसिक प्लान है, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं जो कि इनफ है। अब फ़र्क क्या है गोल्ड के अंदर और बेसिक के अंदर, अगर आपको वीडियोस भी इंपोर्ट करनी है वन क्लिक के अंदर तो आपको गोल्ड प्लान ही यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको अमेजोन से भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो तब भी आपको गोल्ड प्लान ही बाय करना पड़ेगा। अगर आप अमेजोन से प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे और वीडियोज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आपके लिए बेसिक प्लान जो है मोर देन इनफ है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक दिन का आपको फ्री ट्रायल देते हैं कि आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, सादा पे, नया पे या कोई भी लोकल कार्ड, और उसके ज़रिए आप एक दिन का ट्रायल यहाँ से ले सकते हैं और एक दिन के अंदर जितने चाहें आप प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद चाहे आप प्लान को कैंसिल कर दें अगर आपने थोड़े से प्रोडक्ट ऐड करने हैं। अगर आपको रेगुलर प्रोडक्ट्स ऐड करते रहना है तो फिर ऑब्वियसली बात है आपको प्लान बाय करना पड़ेगा, ट्रायल से काम नहीं चलेगा। तो ये थी कुछ प्राइजिंग्स की बात। तो चले चलते हैं इसको किस तरह से मज़ीद सेटअप करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से इंपोर्ट करेगा आपकी वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स को, तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर, और सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आपने प्लगइन्स के अंदर जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है इम्पोर्टिफाई, डेफिनेटली इम्पोर्टिफाई। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट सॉरी ये प्लगइन है, इसको जस्ट आप इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे इसका ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो सिंपल आप जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि डैशबोर्ड का कुछ इस तरह से ऑप्शन नज़र आ रहा है, राइट। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसका डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो ये आपसे डेफिनेटली आपकी ईमेल वगैरह भी मांगेगा जो कि आप प्रोवाइड कर दोगे। तो सिंपल गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप इस तरह के इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे, राइट। इसका अकाउंट आपका बन चुका है इस आपकी वेबसाइट के साथ, राइट, मेरी वेबसाइट यहाँ पे। अब पहला काम तो ये हो गया कि आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब जो सेकंड चीज़ है वो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ API सेटिंग्स के अंदर आना है, राइट। API सेटिंग्स में आप आएंगे तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट को कनेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली आपको प्लान बाय करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लान बाय कर चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह की सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जाएं और अपना ट्रायल या जो भी है उसको एक्टिवेट कर लें। यहाँ पे मेरे यह ट्रायल एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, बल्कि मैंने मंथ के लिए परचेज़ किया हुआ है उसके। यहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, सारी चीज़ें हो गई। अब हमें अपनी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट करना है। वो किस तरह से करना है, सिंपल आप API सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL कुछ इस तरह से टाइप करेंगे। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है बट मैं फिर भी आपको दोबारा से इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें सिंपल आपने अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना है और क्लिक करना है कनेक्ट माई स्टोर। तो जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका स्टोर का जो है वो फेच कर लेगा, क्योंकि आपका स्टोर ऑलरेडी लॉग इन है आपका वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आपने इसको सिंपल अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद आपका जो सक्सेसफुली कनेक्शन है इम्पोर्टिफाई के साथ
वो हो जाएगा। यहाँ पे देखें मेरा जो कनेक्शन है यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है, सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली। अब जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपको एक एक्सटेंशन करनी पड़ेगी अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम भी ऑब्वियसली इम्पोर्टिफाई ही है। तो आप क्या करोगे उसको ऐड करने के लिए, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे और गूगल करोगे इम्पोर्टिफाई एक्सटेंशन। सिंपल आप गूगल करेंगे और फर्स्ट एक्सटेंशन ही आपको यहाँ पे नज़र आएगी। आपको क्या कर लेना है, इसको आपने ऐड कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है। ये सारा चीज़ें जो है वो सेटअप हो चुके हैं। अब जो फाइनली स्टेप है वो हमारे ये है कि हमने अब प्रोडक्ट सिंपल इम्पोर्ट कर लेना है अपनी वेबसाइट पे। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। लेट्स से मैं अलीबाबा के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे ड्यू टू दिस एक्सटेंशन। अब ऑब्वियसली ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी मेरे स्टोर के साथ। तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट ज़रा ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उस प्रोडक्ट के साथ मुझे एक्स्ट्रा ऑप्शंस कौन से मिल जाते हैं जो कि मेरे उस प्रोडक्ट को सिंपली मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इम्पोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखें हमें एक नया ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड का, जो कि इम्पोर्टिफाई की तरफ से ही है। तो इसको मैं ज़रा कंप्लीट लोड होने देता हूँ, इस पूरे प्रोडक्ट के सारी डिटेल्स को। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है और ये आपको एक पॉपअप दे देगा। पॉपअप के ऊपर आप डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं, प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं अगर आपने करना है तो, राइट। एंड ऑब्वियसली आपको वो करना है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। जिस तरह ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रॉल करके आपको एक क्या कर देगा, एक पॉपअप दे देगा। अब यहाँ पे देखें आपको अगर टाइटल चेंज करना है आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपकी वो कलेक्शंस नज़र आ रही है, जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कलेक्शंस हैं वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही है। कलेक्शंस मतलब कैटेगरीज, यहाँ से डायरेक्ट आप इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। इसी तरह टाइप, टैग्स, वेंडर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे देखें ओरिजिनल जो प्रोडक्ट की प्राइस है अलीबाबा के ऊपर वो $9.62 है, यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको $18 कर देता हूँ, राइट, डबल। और यहाँ पे इसी तरह प्राइसिंग रूल्स भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज हर प्रोडक्ट के ऊपर ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली, तो ये सारी चीज़ें। इसी तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वेरिएंट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आप इनको ना छेड़ें। इसी तरह वीडियो के अंदर अगर आपको वीडियो इंपोर्ट करनी है जो इस प्रोडक्ट के अंदर है, डेफिनेटली आपको हायर प्लान रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे इमेजेस हैं, जो इमेजेस आपको सिलेक्टेड हैं ये सारी, इनमें से कोई इमेज आपको नहीं ऐड करनी उसको आप अनसेलेक्ट कर दें और सिंपल आप लोगों ने फिर क्लिक कर देना ऐड टू योर स्टोर। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रोडक्ट जो है वो स्टोर के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो गया है। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड आफ्टर दैट आपके जो प्रोडक्ट है वो आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली आ चुका है। तो मैं अगर इसको व्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ये देखें इसका टाइटल, इसकी जो पिक्चर्स हैं वो सारी चीज़ें, वेरिएशंस हैं वो सारी चीज़ें, जो प्राइस मैंने रखी थी, इसी तरह कलर्स के वेरिएंट्स सारे ऑटोमेटिकली ऐड हो गए वन क्लिक के ज़रिए। ये डिस्क्रिप्शन रही। तो इतना ईजीली आप किसी भी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर या वर्डप्रेस ड्रॉप शिपिंग स्टोर के अंदर। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, आपको किस तरह से इम्पोर्ट करने हैं प्रोडक्ट डिफरेंट वेबसाइट से। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मेक श्योर आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर फॉलो कर लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट कमेंट कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।